हेलो एंड वेलकम बैक टू सतीश उपाध्याय ब्लॉग्स। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी तक लाइट्स नहीं खुली हैं। इवन इवन इफ इट इज 10 AM, सब बच्चे सो रहे हैं। मैं अभी जस्ट उठा हूँ बिकॉज मुझे दूसरी बार नींद आ गई। पूरा दिन आज क्या होने वाला है ये सूरज देखता पे डिपेंड है मेरे लिए। तो जब तक सनलाइट ना हो तब तक आई डोंट गेट चेरिस्ड। सो हे भगवान, हे मालदमा, प्लीज़ सूरज देवता को बाहर आने की परमिशन दीजिए और ये ठंड को जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए, क्योंकि आई हेट ठंड। पुष्पा रुद्र भी उठ गया है और अभी नील भी उठ गया है। नील सबको जय कर रहा है, हेलो। और अभी सॉरी फॉर दिस डिम लाइट, लेकिन अभी माहौल ही ऐसा बना हुआ है रात वाला। ये रुदु शो योर काड़ा। ओह रुदु गुड मॉर्निंग। रुदु अभी चिंपैंजी बना हुआ है और चिंपैंजी का मुंह दिखाता हूँ। गुड तो काड़ा पार्टी कंटिन्यूस। अभी काड़ा पार्टी ज्वाइन की है, आजकल पार्टी चेंज करने का माहौल बना हुआ है। अभी काड़ा पार्टी को ज्वाइन कर लिया है नील ने। हेलो माया, कैन यू प्लीज हमारी जिंदगी में प्रकाश लाओगे बाय ओपनिंग द लाइट? यस। सो अभी आने वाली है लाइट, 1 2 3। तो देखिए सब, ये काड़ा पार्टी है। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि वो क्यूट सी पार्टी बनाएंगे। काड़ा पार्टी चल रही है। चेस काड़ा पार्टी, चेस चेस। ओ यो, और हम लोगों का गद्दे से बाहर निकलना ही बहुत बड़ा असाइनमेंट हो गया है। तो मैंट आज कुछ गांव की कहानी सुना रहा था, गधेरे की कहानी। तो सारे बच्चे टेरिफाइड हो गए थे। मैंट क्या कहानी थी वो? तो पीयूष के बारे में कुछ बता रहा था। पीयूष कौन है? पीयूष हमारे घर के नीचे रहने वाला बच्चा, जो मेरा पड़ोसी है, मेरा फ्रेंड है। हाँ। वो हम हाइड एंड सीख खेल लेते, और वो हमें गधेरे ले गया, मतलब और वहाँ पे जले हुए जंगल थे। ओ माय गॉड, तो डरने लगा? डर नहीं लगा कि इट्स ऑल अबाउट कि किस आप एनवायरनमेंट में रहते हो। ये भी सुपरमैन ही है। ये देखो कैसे सुपरमैन हाथों को उधर को करता है, मुंह को इधर को करता है, टांगों को इधर और हाथों को उधर। तो ये बेसिकली जुम 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 करता रहता है। ठीक है, तो बच्चों आज दिन का क्या प्लान है तुम्हारा? आज दिन का पहले पढ़ाई करेंगे, फिर आई थिंक सो पढ़ाई कुछ लेंगे। वाओ ये वेरी गुड। और मैट आपका क्या प्लान है? अभी मेरी क्लास हुई है यार। हम तो पढ़ाई नहीं करते थे, हम तो क्या करते थे हमें खुद ही याद नहीं है। मतलब इतना पता था कि पढ़ाई नहीं करते थे। और रुद्र आपका क्या प्लान है? मेरा प्लान है बाहर जाने का। बाहर जाने का? और बाहर जाके क्या करने का? खाना खाने का। और चाहता हूँ कि बच्चे अपना पूरा दिन एंजॉय करें, क्योंकि यार बच्चे बोर हो चुके हैं घर ही में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर में ही सब कुछ खेलने की ट्राई कर रहे हैं। और ये बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, इनकी शक्लों पर मत जाइए, बहुत शैतान लगते हैं, लेकिन ये शैतान है नहीं। क्या बच्चों, सही कहा मैंने? नहीं। देखो सही फीडबैक आता है जिस बच्चे के, जो बच्चा होता है ना उसी से। बाकी ये दोनों बहुत मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें पता है चाचा से पंगा लेंगे या पापा से पंगा लेंगे, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। चलिए तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, इनके पढ़ाई के बाद। अब पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सो दैट ब्लॉगिंग के करते वक्त ये सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो पढ़ाई चालू है। जैसे कि बच्चों ने प्लान किया था, बचपन की याद आ गई होगी। ये हमारे हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि जब भी बुक्स या पेपर पे पाँव लगे तो विद्या माता विद्या देखा था, अदरवाइज विद्या बाहर जाती है। मम्मी हमेशा की तरह भक्ति में लीन है, पूजा पाठ कर रही है। तो बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं अपना ब्रेकफास्ट, रागी की रोटी, मनोहर रोटी, अचार, ये पहाड़ी अचार है जो मम्मी ने बनाया है, चटनी, मेथी की सब्जी मेरी फेवरेट। तो हमेशा की तरह सुबह सुबह डिलीशियस खाना मिल जाए तो भगवान के आशीर्वाद समझ के पूरे दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है। तो नील बातें कर रहा है दादी से, दादी से वो कुछ जरूरी चीज पूछ रहा है जिसके लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था, सुबह से ही बहुत एक्साइटेड है। क्या है? रहा हूं, बता रहा था। अच्छा, बूढ़ों को जैसे आप हो तो आपको ठंड जल्दी लग जाएगी, और बूढ़ों को अगर 2 डिग्री तापमान भी हुआ तो तब मिलेगी, बट 0 डिग्री या फिर 1 डिग्री तापमान होगा तब लग जाएगी। अच्छा ऐसा क्यों? अच्छा, आप कुछ थर्मो लोग कैसे, कोई एसिड होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो किसी में ज्यादा होता है तो किसी में कम होता है, जिसमें ज्यादा होता है नहीं, आप जब जैसे भी मतलब आपके अंदर ज्यादा भी होगा, आप बूढ़े हो जाओगे तब आपको वो ठंड महसूस कम होगी। मास्क पहनना तो चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग,
तो अच्छा हाँ। और क्या करना चाहिए, घर आके हाथ साफ करने चाहिए? हाँ, घर आके हाथ साफ करने चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको बाहर जाना तो मास्क पहनो, अगर आप नहीं जाना हो तो मास्क जाना तो मास्क पहनो। ठीक है, तो अगर आपको बाहर जाना है तो मास्क पहनो, अगर नहीं जाना है तो मास्क उतार लो। तो बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है और बच्चे बिल्कुल फुल शैतानी मूड में आ चुके हैं और हम सुस्ता रहे हैं, और बाहर धूप आ ही नहीं रही है, कुछ करने के लिए है नहीं, और अब फेवरेट पास टाइम सो जाते हैं। A few moments later. तो एक क्विक पावर नैप के बाद एक हल्की सी धूप दिख रही है, अच्छा लग रहा है यार। धूप आती है ना, अलग टाइप का एनर्जी आ जाती है बॉडी में ना। तो सैटरडे है, ऑफिस का थोड़ा काम था जो कि मैंने फिनिश किया, और मैं इसके बाद आ गया हूँ छत पे धूप सेकने के लिए। अच्छा लग रहा है, बच्चे सब नीचे टीवी एंजॉय कर रहे हैं, मम्मी पापा एज यूजुअल बच्चों के साथ मस्ती। थोड़ी देर छत में धूप सेकने की कोशिश, और प्रे टू गॉड की धूप थोड़ी देर रहे, ज़्यादा तेज नहीं है पर ठीक है, सनलाइट थोड़ा बहुत नज़र लग रहा है, दिख रहे हैं। 5 minutes later. तो अब हम लोग पावर नैप ले लिया था मैंने। पावर नैप लेने के बाद मैंने कोशिश की मैं छत पे जाके थोड़ी देर, क्योंकि धूप जैसी लग रही थी बाहर, धूप आई थी लेकिन जो चिल था ना वो ज़्यादा स्ट्रांग था, तो धूप फील भी नहीं हुई। और मैं ट्रस्ट में 3 layer of जैकेट पहने हैं मैंने, तो वो भी मैं ऐसा लग रहा था कि जैसे आई एम वेयरिंग ओनली अ टी शर्ट। तो अब हम मैं भाग भाग के नीचे आया हूँ क्योंकि बहुत ठंड है बाहर, आज बहुत ठंड है, सीरियसली बहुत ठंड है। और अभी तो हम लोग मूँगफली शुरू हो चुकी है, मूँगफली खाएंगे हम लोग, आप भी खाइए और मस्त रहिए। और छिलका छिलका उतार के दिए, खटक। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप कमेंट करके बताइए कि रुद्र ने क्या बोला, क्योंकि वो जो जिब्रिश बोलता है उसका मतलब है कि आप छिलके उतार के मूंगफली खाइए, सो दैट आपको खांसी ना हो, क्योंकि उसकी दादी ने उसको एक चीज सिखाई, अगर छिलके के साथ आपने मूंगफली खाई तो आपको खांसी होने के चांसेस ज्यादा है। तो गाइज आप भी इंजॉय कीजिए, ठंड का माहौल है, अपने आपको बचाइए और जुकाम और बुखार से बचाइए, क्योंकि ओमिक्रॉन के भी लक्षण वही हैं जो जुकाम और बुखार जो नॉर्मली पहले होता था ठंड के दिनों में। तो अभी के लिए मूँगफली खाते हैं। अच्छा, आज तो वीकेंड कर्फ्यू है, वो सॉरी मैं भूल ही गया था, एक्चुअली बाहर लग ही नहीं रहे, लोग ऐसे एकदम खुले घूम रहे हैं। इवन मैंने आज नोट किया कि लोग मास्क भी नहीं पहनते, बहुत डेंजरस है गाइज, आई डोंट नो, भगवान की कृपा हो सकती है कि हम लोग सब इतने हिम्मत वाले बन गए, अदरवाइज सेकंड वेव जो थी यार उसमें तो सब हिल गए थे, अब मुझे मालूम नहीं है सब लोग भूल गए शायद, बहुत ही डेंजरस है अगर लोग सेकंड वेव का इम्पैक्ट भूल गए हैं तो। और मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और सारे प्रिकॉशंस लीजिए, गवर्नमेंट आप ही की भलाई के लिए कर रही है, पहली बार गवर्नमेंट को ऐसा बोल रही है जो आपकी भलाई के लिए, अगर आप उसका ध्यान रखते हैं तो कोरोना से बच जाएंगे। कोविड यार पता ही नहीं है किसी को कौन से करवट लेता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इससे पहले कि यार कुछ इशू हो मतलब अपना ध्यान रखें, और ठंड बाहर बहुत है, कोशिश कीजिए अगर किसी को कुछ पुराने कपड़े थोड़ा बहुत खाना या कोई हैंडी चीज़ लाइक जो उसके काम आ जाए, कोई गरीब उसको अगर आप बांट सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है यार, ट्रस्ट मी गाइस, साइलेंटली कीजिए विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, मतलब बेस्ट है यार। और इसी मैसेज के साथ मैं आपको आज के लिए विदा लूँगा, तो टाटा बाय बाय, सायनारा बुंजोर, चाओ।